और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। कांग्रेस ने तेज कर दी है निकाय चुनाव की तैयारियां। निकाय चुनाव को लेकर के अब कांग्रेस भी तैयारी में जुटी हुई है। भोपाल महापौर के लिए विधा पटेल का नाम तय किया गया है और महापौर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए गए। और एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट में परिवारवाद की राजनीति देखने को मिल रही है। महापौर प्रत्याशियों के नाम पर फिलहाल सहमति दर्ज करा दी गई है। भोपाल सहित 8 नगर निगमों में अभी तक सहमति बनी हुई है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी को लेकर की जानकारी आपको दे रही है कि नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार फिलहाल कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस बार भी जो टिकट उम्मीदवारों को दिए गए हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं परिवारवाद की झलक देखने को मिल रही है। निकाय चुनाव और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि महापौर प्रत्याशियों के नाम पर फिलहाल सहमति बन गई है, लेकिन इसमें भी परिवारवाद की राजनीति नजर आ रही है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां तो कर रही है, लेकिन उनके टिकट में भी परिवारवाद की राजनीति एक बार फिर से देखती बन रही है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, कांग्रेस पे लगातार परिवारवाद और वंशवाद के आरोप लगते हुए नजर आए हैं। हालांकि जब इस विषय पर हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से बातचीत की, चर्चा की, तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है, जो चुनाव जीतेगा, हम उसे ही टिकट देंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार विधायक पद का टिकट भी जो है बड़े कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं। अब राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो विभा पटेल महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसी स्थिति में छोटे जो कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति समझते हैं और ये सोचते हैं कि हम पार्टी के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं, सड़कों में प्रदर्शन करते हैं, अपने ऊपर FIR दर्ज कराते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब टिकट की बारी आती है तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को ही तवज्जो दी जाती है। अब अगर हम महापौर के नगरीय निकाय के चुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं, 11 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल एक बड़ी बैठक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने निवास में बुलाई है। लगभग 9 ऐसे नाम हैं जिनके नाम पर सहमति बन चुकी है। अगर हम एक एक नाम पर विस्तार से चर्चा करें, सबसे पहले तो हम विभा पटेल की बात करते हैं। विभा पटेल पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल की बहू है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस पद की अध्यक्ष भी है। इसके पहले भी वो राजधानी भोपाल से महापौर रह चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर से जो है कांग्रेस उन्हें मैदान में उतारने जा रही है। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल की बात की जाए तो 37 सिकरवार की धर्मपत्नी को जो है मैदान में उतारा जा रहा है। शोभा सिकरवार को, 37 सिकरवार बीजेपी छोड़ कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए थे और उन्होंने उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। सवाल यही उठता है बार बार कि आखिरकार छोटे कार्यकर्ताओं को क्यों कांग्रेस अनदेखी करती है। छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो सुनील उइके कांग्रेस से विधायक है, अब उन्हें महापौर का भी टिकट दिया जा रहा है। इसमें एक ही सवाल बार बार उठता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास क्या नेताओं की कमी है या कार्यकर्ताओं की कमी है, या फिर कार्यकर्ता चुनाव लड़ना नहीं चाहते, क्या वो चुनाव से डरते हुए नजर आ रहे हैं इसलिए विधायकों को महापौर का टिकट दिया जा रहा है। वहीं अगर हम जबलपुर से बात करें, इसके साथ ही सागर संभाग से बात करें, तो कहीं ना कहीं विधायकों के परिजन या विधायकों को ही टिकट दिया जा रहा है। इससे एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि कार्यकर्ताओं की कमी है या कार्यकर्ताओं में निराशा है जिसकी वजह से कार्यकर्ता अब मैदान में उतरना नहीं चाह रहे, या कार्यकर्ताओं ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है कि जब बड़े। ये भी कहा जा सकता है कि शायद यही वो मुख्य वजह भी रही है जिस वजह से कांग्रेस का सफाया तमाम राज्यों से भी हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर के तमाम विधायक हो चाहे सांसद हो दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल पहुंचे थे तो उन्होंने जो बात कही थी वो बात कांग्रेस को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। उन्होंने यही कहा था कि एयरपोर्ट पे मेरे एक बड़े कांग्रेस लीडर से मुलाकात हुई थी और उनका ये कहना था कि 46 महामंत्री कांग्रेस पार्टी में है, 146 मंत्री जो है कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं है। अगर कार्यकर्ता पार्टी में नहीं रहेंगे तो कांग्रेस को चुनाव
में हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को बीजेपी जो है एक बड़ी जिम्मेदारी देती है। जैसे जबलपुर से अभी जो राज्यसभा सांसद के लिए सुमित्रा वाल्मीकि को पहुंचाया गया है, वो 3 बार की मात्र पार्षद है और राज्यसभा टिकट से उन्हें राज्यसभा पहुंचाया गया। लेकिन वहीं कांग्रेस जो है बार बार विधायकों को वही घिसे पिटे चेहरे, उन्हें ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। अब कांग्रेस को एक युवा लीडरशिप की जरूरत है, लेकिन युवा लीडरशिप जो है कांग्रेस सामने नहीं ला पा रही है। क्या कारण है, क्या वजह है, इस पर तो विचार करना ही पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि आखिरकार जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से 2018 में सरकार बनी और मात्र सवा साल में सरकार गिर जाती है, तो इसमें कार्यकर्ताओं की कमियां नहीं है, इसमें उन बड़े नेताओं की कमियां हैं जो सरकार नहीं चला पाए, जो नाराजगियों को दूर नहीं कर पाए। आखिरकार पूरा दोष जो है कार्यकर्ताओं पे पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाता है, लेकिन सड़कों में कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं और जब टिकट की बारी आती है तो एक बार फिर से जो है बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया जाता है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद कुलभूषण आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।